मेरे पास तो प्रोड्यूसर और जो राइटर थे उनका मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपसे दो गाने गवाना चाहते हैं, और जैसा मेरा एक है कि मैंने गाने मंगवाए, मुझे बहुत अच्छे लगे गाने, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। आपने देखा शुरुआत में जो जो नंबरिंग टाइटलिंग पे जो गीत है वो मेरा ही गाया हुआ है, शुक्राना, बहुत अच्छा गाना लिखा हुआ है और बहुत अच्छा कंपोज था, म्यूजिक डायरेक्टर जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बाकी तो आपने सब देखा है उसको, जिस तरह मतलब पूरी शिद्दत के साथ निभाया मैंने, कि बहुत ही प्यारा थीम है, बड़ी फैमिली ड्रामा है और बहुत अच्छी स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, तो उसका ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं गीत के जरिए। तो ये है गीत के बारे में। मैम ये भी पूछना चाहूँगा, बाली जी और रानी चटर्जी जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, मतलब पंजाबी फिल्म कर रही हैं, रानी जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कितना जरूरी है? मैं एक्चुअली पहली बार उनके लिए गाया है और मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, आई एम सॉरी, बट हाँ शायद भोजपुरी फिल्म करती हैं वो, पर अच्छा है, एक पंजाबी फेस लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, और जो है पंजाबी तो आजकल डबिंग हो जाती है और जो आर्टिस्ट हैं वो वैसे भी उनको एक दांत है कि वो एक्सेंट भी बना लेते हैं, कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा। और बाली जी की फर्स्ट फिल्म है उनके लिए, तो मैं उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दे सकती हूँ और उनके लिए जो है उनको गुड विशेज देती हूँ मैं कि उनका ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो। और आज के दौर में जो मतलब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है, म्यूजिक वीडियोज़ की बात में बहुत पॉपुलर होते हैं, उसके बारे में कितने कितने का अच्छा स्टेप है, क्योंकि मेन जो इंडिया में जो म्यूज़िक का जो होता है एक फैन फॉलोइंग बॉलीवुड पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो बॉलीवुड बॉलीवुड दोनों ही धमाल करते हैं, और अभी तो पंजाब का आप देख ही रहे हैं कि हिंदी फिल्म में भी जब से ये भी आप लोगों को याद होगा कि 90s में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, उस वक्त से मैंने इतने सारे इंडस्ट्री में गाने गाए जो पंजाबी बेस्ड थे हिंदी, लेकिन उसमें पंजाबियत थी और पंजाबी लहजे के साथ गाए गए मैंने, और सुखविंदर ने, सोनू निगम ने, हमने बहुत सारे ऐसे गीत गाए जो पंजाबी स्टाइल के थे, तो वो तब से चल ही रहा है, और अब तो उसका बहुत दबदबा हो गया और बहुत इंटरनेशनली इतना उसका एक असर हो गया है पूरे मार्केट के ऊपर कि कोई भी महफिल, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, क्लब नहीं है जहां पंजाबी गाने ना बजें। पंजाबी गानों को नया रूप दे दिया, नई शक्ल दे दी है, और ये इनमें से बहुत गाने तो बहुत पुराने हैं जो मेरे मतलब मेरे फादर साहब और उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे उन लोगों के किए हुए गाने हैं, उनको भी रीमिक्स किया जा रहा है, दोबारा रीडू किया जा रहा है, और उसके अलावा नए नए कंपोजिशन नए नए कंपोजर्स कर रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, उनमें से कई तो बहुत मज़ा आता है सुन के कि बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत नए लोग गा रहे हैं, तो अच्छा ही है, लोग पसंद कर रहे हैं। और लास्टली जानना चाहूँगा मैम, काफ़ी सारे रियलिटी शोज जो होते हैं, खासकर डांसिंग रियलिटी शो की बात करें, उसमें जो बच्चे डांस कर रहे हैं वो गाने शूट नहीं करते हैं परिवार के साथ देखने के लिए, तो काफ़ी सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया इस बारे में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से भी आया है ये, मतलब एक नोटिस कि जो बच्चे हैं वो एडल्ट्री जो गाने हैं उस पर डांस ना करें, क्योंकि वो एक खराब इम्पैक्ट होता है, क्योंकि फैमिली के साथ आप देखते हैं शो को तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट। अब ये कुछ भी मतलब कोई भी उठ के मतलब कमेंट करने लगता है, उनकी अच्छाइयों को देखिए आप, उनकी कोई भी माइनस पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, नेगेटिविटी पे ना ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे हैं वो उनको मतलब सिखाया जा रहा है, आज कौन बच्चा है जिसे नहीं मालूम है कि क्या है, आज तो बहुत ही एडवांस हो गए हैं बच्चे, उनको पढ़ाइयाँ में समझाए, पढ़ाई भी कराई जाती है तो उनको नॉलेज दी जाती है हर चीज़ के बारे में, हम लोग छोटे थे तब हमें भी बताया गया कि कौन सी चीज़ कैसे, हमें स्कूल में बताया जाता था कि इस चीज़ से उसको हम आई थिंक पॉजिटिव तरीके से लें, उसे नेगेटिव तरीके से ना लें, बच्चे बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं, एक के बाद एक बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स ठीक है, वो थोड़ा माँ बाप को ये
थोड़ा सा समझना है कि बच्चे जो हैं इसके साथ साथ वो एक ट्रैक पे रहें, ट्रैक से जो है वो डिटूर ना हो, अलग ना हो, तो वो चीज़ है. बट आई थिंक ओवरऑल तो मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं देखा जिस पे मैं कहूँ कि ये बुरा है या कुछ है. बाकी अपने अपने व्यूज़ हैं सबके, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके अपने व्यूज़ हैं, आप अपने व्यूज़ बोल सकते हैं, कह सकते हैं. उस पे आप देखिए कितने मुद्दे खड़े होते हैं, कितने दब जाते हैं, कितना उनका कुछ नहीं होता. तो ये ऐसे ही है, ये तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा ही होगा, तो वो होना ही है. सो इट इज़ लेट इट बी द वे इट इज़, आई थिंक दे विल हैंडल इट. तो मेरी उन्नत रखी थी ना, वो एक्टर भी थे, मैं घूस गया था और वो आदमी अच्छे कैरेक्टर थे. जब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि फैमिली की कहानी है, क्योंकि वो राजपूत दिखने थी पंडित श्रीभान के, तो ठीक मैंने एक और सुनाया और बहुत पसंद आया. और उन्होंने बताया कि ये सारी ये पिक्चरें जो भी लैंग्वेज में बनी है ज़बरदस्त चल रही है, अच्छा बिजनेस किया. और राजकुमार जी हमारे प्रोड्यूसर है और बहुत बढ़िया नेक इंसान है राजकुमार. दोनों की टीम इतनी अच्छी है कि मैं पंजाब गया था शूट करने, और जब आज मैंने पिक्चर देखी फर्स्ट हाफ, मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी. और दिल से बोल रहा हूँ ये पिक्चर और पिक्चर से अलग है. इसमें रैप नहीं, ये नहीं, ड्रग नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं. एक प्योर एकदम फैमिली ड्रामा है, जो एक फैमिली के घर पे तीन बच्चे की माँ है, उसका पति दरोड़ा है, दारू पीता है, और कैसे कैसे इमोशनल सेकेंड आपने और स्टोरी जब आप देखोगे. और मेरा दिल बोलता है कि मैं नहीं, जब पिक्चर कहानी सुनी थी तो मेरा दिल क्या बात है. और मैंने बालिक मेरा जो बालिक था माना है कहा जाना बस. और फिर मैं दूसरे तौर पर जाऊँ गाना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा. ओपनिंग के गाना भी अच्छा लगा, गोल्डन टेम्पल को भी बहुत अच्छा मुझे इन्होंने प्रेजेंट किया है, और म्यूजिक पिक्चर का बहुत अच्छा है, और सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी है. सेटिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, घर अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, सिंगर अच्छे हैं, एक्टर है, गिगू जी है, रानी जी है, सब में काम अपने दिल से काम किया. देखो जब कोई एक टीम जीतती है तो जीतने में सारे लोगों का की भूमिका स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे लाइट बॉय हो, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो. जब पिक्चर चलती है तो श्रेय सबको मिलने चाहिए. आज आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग जब इंटरव्यू छापोगे और जब आपको पता चलेगा पिक्चर चलिए, तो आपको भी एक सीना छोड़ा जाएगा, बोला हाँ भाई हमने पिक्चर का इंटरव्यू लिया था जब हमने पिक्चर देखी थी. नहीं अभी मेरा अभी चल रही है अभय सेना की दो पिक्चर फ्लोर पर जा रही है मेरी, लंदन में शूट कर रहा हूँ और उसी में मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ. और चल रहा है एक्शन, चल रहा है टीवी सीरियल, चल रही है टीवी सीरियल थोड़ा कम कर दिया मैंने, इट्स गोइंग ऑन, शो शुड बी गोन. देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं पहले भी कहता था, अभी भी कहूँगा और आगे आने वाले दिन में भी यही बताऊँगा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी चीज ही चीज. तुम कितना भी फॉरेन के एक्शन डायरेक्टर बुला लो, कितने भी तुम खर्चा कर लो, लेकिन जो हिंदुस्तानी चीज़ जो मैंने इस्टेब्लिश किया है, अभी आपने एक्शन देखा ना पिक्चर में, कैसा लगा आप लोगों को? एकदम नेचुरल था ना, एकदम अच्छा था, बच्चे को उड़ाना टाइम एक्शन, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी चीज़ ही चलेगी, ये आप मान के चलो. चाहे तुम कितना खर्चा करो अंग्रेजों के लिए, ये करो करो, क्या कुछ नहीं. मेरी पिक्चर उठा के देख लो, गदर, बॉर्डर, वीर, सारी चीज़ें देखो, डर, सारी बड़ी बड़ी पिक्चर है. अग्निपथ खुदा का वसा जिद्दी एक्शन पे चली थी. ये फिल्म का नाम है आसरा, और ये जो कहानी है एक परिवारिक कहानी है, क्योंकि पंजाब में अक्सर हर घरों में मोस्टली पाया जाता है कि जो आदमी होता है, ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाते हैं, वो लोग मोस्टली ड्रिंक व्रिंक करते हैं, नशा करते हैं. तो ये एक खुशहाल परिवार में यही एक माइनस होता है कि वो ड्रिंक करता है. उनका अच्छा परिवार, उनकी वाइफ है, दोनों अनाथ आश्रम में पले होते हैं और वाइफ
अच्छा बच्चों को गाना सिखाती है कुछ, उससे क्या नेगेटिव होता है, मतलब पीने से क्या नुकसान है? जो पीने से उसने मतलब बच्चों को ध्यान नहीं दिया, बच्चे पोलियो हो गया, तो उसको सबको संभालती है उसकी वाइफ कन्नी नाम है उसका, जो हमारे किरदार है रानी चटर्जी ने थोड़ा आपसे आया है, मतलब मैंने जितना सोचा नहीं था उससे मतलब 100% अच्छा किया और बड़ा पक्का देखता हूँ भाई हमारी हीरोइन है भाई बहुत अच्छा किया, बहुत उन्होंने अच्छा किया और पंजाबी बहुत अच्छी उन्होंने बोली, तो उन्होंने बोला कि ऑडिशन भी दिया आपको बताइए और इन्होंने एज एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ तक कि हमारे जो हीरो जी हैं गुरुगोल जी उन्होंने ऑलरेडी पंजाबी के साथ सब हैं पंजाबी सीखने का काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा पहले तो नर्वस कि पंजाबी पहली पंजाबी लैंग्वेज ट्रेडिंग जैसे मैंने सिखाया चालू से सिखाया तो मेरी भी हिम्मत है सर, बहुत बहुत मज़ा आया और चंद तरह किरदार हो रहा है पूरी है बहुत ही लगता है किरदार है उसको निभाने के लिए आपने मुझे चुना उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत खाया खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा अमृतसर, मुझे जब भी मौका मिलेगा दोबारा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बिल्कुल अलग तरह जगह से एक नई जगह गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और माहौल पूरा पंजाबी का रहता है, जैसे पंजाबी बोलना हमको हाँ माहौल तो वही था और मैं कोशिश करती भी थी कि मैं थोड़ा बहुत सीखूँ पंजाबी और मैंने काफ़ी हद तक जो है 80% अब मुझे समझ में आने लगी है पंजाबी, तो और दो तीन फिल्में बुक करूँगी तो मैं गलती कर रहे हैं उसको सुधारना चाहिए। आज पंजाबी का बहुत अच्छा मार्केट है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा अच्छा है, कभी कभी वो कभी जहाँ गलतियाँ होती हैं तो उसे खराब कर सकती है, संभालना चाहिए और फिर अभी हम लोग इसका बैकअप करते हैं क्योंकि अभी आगे पिक्चर देखनी है। हाँ फिल्म देखनी है, एक्चुअल में फिल्म अभी देखनी चाहिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा अभी आई ने भी उसको भी रिलीज करनी है, उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट मेरा पंजाबी का, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ तो पंजाबी मूवी तो चाहिए मेरे को बनानी। रिलीज बस जल्दी रिलीज हो जाएगी, बस ये जुलाई या अगस्त में हो जाएगी रिलीज। कहानी तो इमोशनल है, बाकी ये स्टोरी मैं भी नहीं बता सकता। टाइटल टाइटल आसरा, आसरा नहीं पंजाबी में भी आसरा होता है, रब का आसरा, मतलब कि इसमें एक इमोशनल स्टोरी है, इसमें दिखाया गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसको भी कोई ना कोई आसरा मिल जाता है। ओके थैंक यू।